ठीक, तो अगर कोई बुक कुछ भी यूज करे इन तीनों में से, आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही बात है। ठीक, 87 नंबर असाइनमेंट है, 87 नंबर असाइनमेंट ओपन करो, जिन जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उसका प्रिंट लें। 87 नंबर असाइनमेंट, देखो इलेक्ट्रिक मेंस, एक चीज बड़े ध्यान से देख लो, सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे, ध्यान आगे और हंस के, ठीक। तो मान लो अगर मैं ये बोलता हूं मेरे घर में करंट 2 एम्पियर है इस वायर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान। अगर मैं ये बोलता हूं कि घर में करंट वायर में 2 एम्पियर है, तो इसका मतलब क्या ये आरएमएस है या फिर क्या ये एवरेज है, क्या ये पीक करंट है, मैक्सिमम करंट है, या ये इंस्टेंटेनियस करंट है? एवरेज है, गलत है, आरएमएस है, करेक्ट है। तो हम अपनी कैलकुलेशन एवरेज के साथ नहीं करते, हम अपनी कैलकुलेशन आरएमएस के साथ करते हैं। जब मैं ये बोलता हूं ये फैन 220 वोल्ट एसी पे चलता है, तो 220 वोल्ट वी आरएमएस है, हम सारी कैलकुलेशन आरएमएस के साथ ही करते हैं। क्लियर है यहां तक? तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक मेंस इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट, तो क्या गिवन है? ई, जब कुछ ना गिवन हो, कुछ भी नहीं, तो समझ लेना ई आरएमएस है। तो वोल्टेज अगर इतनी है घर में तो वो आरएमएस आ रही है। फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये फॉर्मूला होता है वेयर ई इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब मुझे क्या चाहिए इसके लिए? ई नॉट। अब मुझे क्या गिवन है? ई आर एम एस। ई आर एम एस क्या होता है? ई नॉट बाय रूट टू, तो ई नॉट क्या होगा? रूट टू इंटू ई आर एम एस। तो चेक करो, ई आर एम एस पता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पता है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट की जगह रूट टू इंटू ई आर एम एस, ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ई आर एम एस क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है, सॉल्व करके आपके पास ये क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स एट 12 वोल्ट डीसी, क्या गिवन है? कुछ भी नहीं, डीसी करंट गिवन है, ये एसी का क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ नहीं है, ये डीसी करंट गिवन है, ये तो पुराना क्वेश्चन है। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, हाँ अब बोलेंगे उसको चलाना किस पे है? डीसी पे नहीं, एसी पे। अब उसकी रिक्वायरमेंट तो 24 वोल्ट ही है ना, 12 वोल्ट ही है जो है, तो मुझे उसको 12 वोल्ट क्या देना पड़ेगा? वी आरएमएस। तो डीसी करंट की जगह हम एसी में क्या लिखते हैं? वी आरएमएस। तो उसको वी आरएमएस चाहिए 12 वोल्ट, तो वो कह रहा है कि इस केस में पीक वैल्यू क्या होगी? पी का मतलब मैक्सिमम, तो ई नॉट क्या होता है? रूट टू इंटू ई आरएमएस। ठीक, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ई आरएमएस इज ई नॉट बाई रूट टू, ई नॉट इज रूट टू इंटू ई आरएमएस। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज अप्लाई टू 50 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन, पीक वैल्यू का मतलब क्या गिवन है? ई नॉट, रेजिस्टेंस मुझे पता है। फाइंड आरएमएस करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। तो मुझे पता है कि ई नॉट पता है, आर पता है, अगर मैं ई नॉट को आर से डिवाइड कर दूं, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा।
तो ई नॉट पता है, आर पता है, तो मैक्सिमम करंट आ गया। मैक्सिमम करंट आ गया तो आरएमएस करंट क्या होता है, 0.707 इनटू आई नॉट, तो यहाँ से आई आरएमएस आ गया। आई आरएमएस आ गया, मुझे इंस्टेंटेनियस आई निकालना है। आई इज इक्वल टू आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट पीक वैल्यू मुझे पता है 200, और ओमेगा का मतलब 2.2 फ्रीक्वेंसी, और मुझे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है कितनी 100, तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। फॉर्मूलाज ही यूज हो रहे हैं इसके अंदर और कुछ नहीं यूज हो रहा, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। जैसे आरएमएस वैल्यू निकाल लो इस ग्राफ को देखते हुए, ये ग्राफ साइन और कॉस को तो रिप्रेजेंट है। People everywhere are lazy, and it's safe to say that you can deliver food and entertainment. No question है। देखो, ये साइन या कॉस तो है नहीं। इसमें मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की। करंट 2 एम्पियर है, माइनस 2 है, फिर 2 है, तो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर का एवरेज का अंडर, तो फिर एवरेज का अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आपने क्या करना है, इस शीट के सॉल्व और अनसॉल्व ट्राई करने हैं। फॉर्मूला बेस्ड ही है सारे, ये आपको ट्राई करके आने हैं, इसके डाउट्स नेक्स्ट टाइम मुझे लेने हैं, राइट?